आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटन कीमा बॉल्स यानी कि कोफ्ते। उसके लिए हमको क्या चाहिए, पहले मैंने ये हाफ के जी कीमा लिया हुआ है जिसको धो के छन्नी में रख दिया ताकि उसका पानी बहुत अच्छी तरह से निकल जाए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए ये सूख चुका है, धो के रख दीजिए इसको 10 मिनट के लिए छन्नी में। इसके बाद इसमें हमें जो मसाले चाहिए होंगे बहुत ही थोड़े और बड़े अच्छे मसाले हैं इसको, तो अभी मैं दिखा रही हूँ कि भुना धनिया करीब 1 चम्मच लीजिए, और उसके बाद मिर्च, रेड चिली इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं जितना भी पसंद हो, कम या ज़्यादा आपके ऊपर है। वैसे तो मुझे तीखा पसंद है इसलिए आपको जैसा भी पसंद हो आप उसमें डालिए। ये भी हो गया। इसके साथ साथ ये खसखस, खसखस हाफ टी स्पून भून करके इसको खसखस को रख लेंगे। देखिए खसखस है, मैंने भून के रखा हुआ है। अब ये सारी चीजें हम एक साथ मिला के पीसेंगे। इसके साथ साथ इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च और बड़ी इलायची जिसे कि हम डोडा भी कहते हैं, 3 डोडा ले लीजिए, और 7-8 या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी काली मिर्च लेनी हो वो ले लीजिए। ये सारे मसाले प्लस लहसुन और अदरक, लहसुन और अदरक ले लेना है, ठीक है। ये सारे मसाले प्लस उसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आपको सॉल्ट डालना है, ये सारी चीजें। तो ये जो भी मसाले दिखाएं लेना है, इन सबको मिला के पीस लेंगे हम लोग, और उसके बाद पहले मसाले पीसेंगे, उसके बाद कीमा डाल के उसमें सब मिक्स करके कीमे को भी पीस लेंगे मिक्सी में डाल के। तो आप देखते हैं इसको पीस के, इसको चलिए पीसते हैं। देखिए हमारा कीमा पीसने के बाद सारे मसालों के साथ ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें धनिया, कटी हुई धनिया बारीक, ये देखिए बारीक कटी हुई धनिया, और इसमें हरी मिर्च मिला के अब इसके बॉल्स बना लेंगे। तो हरी मिर्च आपके ऊपर ऑप्शनल है, आपको कितना डालना है, थोड़ा सा डालना है या नहीं भी डालना है तो भी चलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें मिर्च और काली मिर्च डाल चुके हैं तो उसमें काफ़ी तीखापन आ चुका है। अब हरी धनिया डाल लीजिए जिससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और लुक भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके मीडियम साइज के बॉल बना लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और देखिए अब इसके हम बॉल बना लेते हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये कीमा थोड़ा सा हाथ में स्टिकी हो सकता है, उसके लिए पानी लगा सकते हैं आप, पानी लगा लीजिए और ऐसे छोटे छोटे बॉल बना लीजिए, जैसे हम लड्डू बनाते हैं वैसे इसके बॉल बनाते जाइए और रखते जाइए। इस तरह से हम जल्दी जल्दी, पानी लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप लगा लीजिए, अदरवाइज इसको थोड़ा टाइट बांधिएगा, नहीं तो ये तलने में, फ्राई करने में खुल जाएगा, खुल जाएगा तो फिर वो पूरा तेल भी वेस्ट हो। देखिए अब हमारे सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं, इस तरह मैंने सारे बॉल्स बना लिए, ठीक है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए देखिए मैंने कढ़ाई में पहले से ही ऑयल रखा हुआ है, और इसको मीडियम आंच पे रखेंगे। पहले तेल को गर्म हो जाने दीजिए और फिर मीडियम आंच पे इसको रखिए, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाएंगे। इसको अब हम देखिए डालते हैं इसमें, देखिए मैंने डाल दिया इसमें, और मीडियम फ्लेम ही रखना है सो दैट दे कैन कुक वेरी वेल, आराम से फ्राई हो जाए बिल्कुल। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 10 से 15 मिनट लगेगा एक बार इसको फ्राई होने में, थोड़ा मीडियम के बाद। फिर जब ये थोड़ा सा तल जाएंगे, आधे हो चुके होंगे, तो इसको और हम धीमा कर देंगे आंच को। अभी इसको बिल्कुल ऐसे ही डाला रहने देते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं टच करना, नहीं तो ये बिखर सकते हैं। इसको थोड़ी आंच लग जाएगी फिर इसको हम पलटेंगे। ये देखिए थोड़ी देर तलने के बाद अब इसको मीडियम ही आंच पे हम थोड़ा अब घुमा देते हैं। और इसको फ्राई होने देते हैं। हमारे ये मीट बॉइल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको शिफ्ट कर लूंगी एक टिश्यू डाल के एक प्लेट में ऐसे, सो दैट जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसको देखिए ये मीट बॉल मैंने ट्रांसफर कर दिए, देखिए गोल्डन ब्राउन बिल्कुल क्रिस्पी बॉल्स आर रेडी। नाउ देखिए ये हमारे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन मीट बॉल्स रेडी हैं। अब आप इसको हरी चटनी, नींबू और अनियन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, और इफ यू लाइक प्लीज कॉमेंट शेयर एंड हेल्प आवर चैनल ग्रो।